देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आरडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में आपका 4th चैप्टर है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में थे, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करोगे, ये चीज हमने सीखी। तो सब कुछ मैंने बता दिया, तो क्वेश्चन देखो भाई। तो इसको आपने जो है ना फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। देखो लास्ट में मैंने जो है ना 44 करवा दिया, अब तुम 45 से लेकर और 49 तक कोई से तीन कर लो भाई, बल्कि आपको 47, 48 और 49 करवा दूं, क्योंकि आपके ये पेपर में भी आए हुए हैं। तो पहले 47 पढ़ो। तो 47 में आपकी इक्वेशन है भाई, ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू कौन है, 2 है भाई। और इसको आपने सोल्व करना फैक्टर मेथड। तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लेकर आओगे, उसके बाद करोगे। और ये इस फॉर्म में कब आओगे, जब आप एलसीएम लोगे। तो लो एलसीएम भाई, तो खुद दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, तो दोनों की जो मल्टीप्लाई है वही मेरा कौन होगा, एलसीएम होगा। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसकी करो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई यानी ax माइनस a² प्लस bx माइनस में बी स्क्वेयर बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू कौन है भाई, 2। अब थोड़ा और करो सिंपलीफाई। देखो ऊपर तो सिंपलीफाई हो रहा है अपना, ax माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस में बी स्क्वेयर, नीचे भी करो मल्टीप्लाई, करना एक बार मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस का बी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू कौन है भाई, ये 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो जो ऊपर वो तो है ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर, करना 2 की मल्टीप्लाई, तो 2x² ये माइनस का 2ax होगा, माइनस का 2ax, इसके यहां करो माइनस 2bx और प्लस 2ax होगा, प्लस में कौन 2ax इक्वल टू क्या है, इक्वल टू तो चला हुआ अपना, इक्वल टू तो अपना चला हुआ कि ये यूं का यूं इक्वल और ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सब कुछ एक साइड, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म उधर है ना, तो आप सब कुछ ले जाओ उधर ही, ये जो सब कुछ उधर ही, पहले ये लिखो भाई। तो ये आपका 2x² माइनस में कौन 2ax माइनस का 2bx प्लस 2ax, ले जाओ सब कुछ उस साइड, जो प्लस का ax है तो माइनस का ax होगा, जो माइनस का a² है तो प्लस a² होगा, जो प्लस bx है तो माइनस का bx होगा, जो माइनस का b² है तो प्लस b² और इक्वल टू यहां पर बचेगी 0। अब इकट्ठे करो भाई, देखो सिंपलीफाई आपको होना चाहिए 2x², देखो कौन कौन इकट्ठे हो सके, प्लस का 2ax माइनस का 2ax कैंसिल हो गया, उसके बाद देखो ये माइनस ax कौन बचा है मेरा, एक तो माइनस का ax और भाई माइनस का 2bx और माइनस का bx यानी माइनस का 3bx, और कौन है मेरा प्लस में कौन है b² प्लस b² और प्लस में कौन है ए स्क्वेयर इक्वल टू कौन है 0।
यही होगा प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू जीरो हो गया मेरा। अब देखो तो भाई तो ये आपका बनेगा टू एक्स स्क्वेयर। देखो यहां तक वैसे x कॉमन है मेरा, कुछ हमने गलती तो नहीं करी। देखो कुछ x स्क्वेयर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस ए बी सही है, ऊपर ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस का बी स्क्वेयर, उसके बाद ऊपर तो ये हो गए प्लस बी एक्स माइनस, नीचे कर दी मैंने मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस ये ऊपर वाला यूं का यूं, और ये 2x स्क्वायर माइनस का 2 भी प्लस का 2, अरे 2a दिया होगा यहां 2ab, और उसके बाद अब सब कुछ लेकर गए उस साइड, यो भाई यो का यो यो रहा यो का यो रहा, तो यहां पर कौन होगा मेरा 2ab होगा 2ab, और माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर, थोड़ा सा चेंज बनी। देखो गलती मत करना क्योंकि उसके बाद ये सोल्व नहीं होगा वगैरह। देखो अब क्या बनेगा, यानी वो कैंसल नहीं होगा, तो टू ए एक्स है ना, तो टू ए एक्स ही रहोगा मेरा, यानी आपका बनेगा टू एक्स स्क्वेयर माइनस का टू ए एक्स और माइनस का ए एक्स, यानी माइनस का थ्री ए एक्स माइनस का टू बी एक्स और माइनस का बी एक्स, यानी माइनस का थ्री बी एक्स होगा, और बाकी फिर एक कौन बचेगा टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, टू ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कौन जीरो भाई। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 2x स्क्वायर यहां से माइनस 3x कॉमन है, माइनस 3x कॉमन अंदर बचेगा a प्लस बी, माइनस का 3x कॉमन a माइनस का 3x कॉमन b, और ये देखो ध्यान दे एक बार कौन है, यो a प्लस बी का स्क्वायर है, कौन ये मेरा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन जीरो। अब देखो ये उसी फॉर्म आ गई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, और आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड, और फैक्टर मेथड में सबसे पहले आप क्या कोशिश करोगे कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट और जो कॉन्स्टेंट है ना उनके आपस में करो मल्टीप्लाई। देखो कौन है वो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपकी टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है। अब आप इसके दो हिस्से करोगे, इसके दो हिस्से करोगे, और वो दो हिस्से इस तरीके से करोगे कि उनमें से जोड़ने पे या माइनस करने पे यो तीन इंटू ए प्लस बी आता हो, तो आसान करने अरे आप ये बना दो हिस्से टू इंटू ए प्लस बी इंटू में कौन ए प्लस बी। देखो कौन हो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई आपकी यही है ना, और जोड़ने पर दो और एक चीज या तो तीन आ तो गया दो और एक, पर माइनस का तीन है तो माइनस का लोगे दो और माइनस का यो वन, साथ में एक्स है तो तुम भी साथ में के लगा दोगे एक्स लगा दोगे। कॉन्स्टेंट की एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट की आपस में करो मल्टीप्लाई, वो जो भी नंबर आ उसके दो हिस्से करो, और इस तरीके से करो कि जोड़ने पे या माइनस करने पे जो एक्स का कोफिशियंट आ तो रहा है और इसकी जगह वो लिखोगे बाकी सेम टू सेम, तो ये आपका बनेगा भाई टू एक्स स्क्वेयर, तो बीच वाले की जगह ये लिखोगे माइनस का टू ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर माइनस का वन इंटू एक्स ए प्लस बी, और प्लस में कौन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन जीरो। यहां से जो आपको साफ साफ नजर आ वो कॉमन लो, देखो साफ साफ कौन कॉमन है, साफ साफ कॉमन है टू एक्स, अंदर कौन बचेगा एक्स, ये टू और एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचेगा माइनस इनटू में ये अंदर कौन बचेगा माइनस ए प्लस बी,
उसके बाद यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे, सेम टू सेम या ब्रैकेट, तो a प्लस बी लोगे, पर जब तुम a प्लस बी बाहर लोगे तो माइनस एक्स बचेगा, पर यहाँ प्लस एक्स है तो a प्लस बी नहीं माइनस a प्लस बी लोगे कॉमन, माइनस a प्लस बी, अंदर कौन बचेगा, माइनस a प्लस बी बार तो प्लस का x, माइनस बार ली है ना तो प्लस आपकी माइनस, a प्लस बी एक बाहर आ ले तो एक पावर बच जाएगी अपनी, इज इक्वल टू कौन जीरो। अब इनको तो इकट्ठे लिखोगे और दोनों में से एक, यही रूल होता है, लिखो भी तो भाई, तो 2x माइनस a प्लस बी, इनको तो इकट्ठा लिखोगे और दोनों में से एक लिखोगे, x माइनस a प्लस बी इक्वल टू कौन जीरो। अब एक बार इसको जीरो रखोगे, एक बार इसको रखोगे, रखो जीरो भाई, एक बार तो 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू जीरो, और एक बार इसको रखोगे x माइनस a प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहां से x निकालो, ले जाओ इसको साइड, तो 2x प्लस का हो जाएगा यहां, x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू होगा a प्लस बी अपॉन 2, पर यहां से x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू होगा a प्लस बी, तो कुछ खास नहीं भाई, पहले उसको सिंप्लीफाई करो, जब वो इस फॉर्म में आ जाए तो फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्स्टेंट है और x स्क्वायर का कोफिशियंट, उनके आपस में करो मल्टीप्लाई, और फिर उसके दो हिस्से करो, और इस तरीके से करो कि जोड़ने पर या माइनस करने पर यो x का कोफिशियंट आंदा हो। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 48 भाई, पढ़ने का 48 भाई, तो 48 में आपका कौन है, क्वेश्चन नंबर 48 इसमें आपकी इक्वेशन है भाई, x प्लस वन अपॉन x माइनस वन प्लस x माइनस टू अपॉन x प्लस में टू इज इक्वल टू फोर है भाई, इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स प्लस में थ्री, टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में कौन x माइनस में टू है भाई, इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड से, तो पहले आप इसको जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मूले का आओगे तो एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, तो ले एलसीएम एक बार क्या बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा एलसीएम, और x माइनस वन इंटू में कौन x प्लस में टू, अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, पहले जो x है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस टू एक्स फिर प्लस का वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस एक्स और प्लस में टू प्लस इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद इसकी इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर फिर माइनस एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स फिर माइनस का टू दोनों से, यानी माइनस का टू एक्स
और माइनस के टू के माइनस के वन की मल्टीप्लाई यानी प्लस टू बनेगी भाई, इज इक्वल टू कौन है, यहाँ पर भी लोग एलसीएम यानी फोर बाई वन लिखा हुआ है, तो एलसीएम कौन होगा, एक्स माइनस में टू, एक्स माइनस में टू की फोर की मल्टीप्लाई यानी फोर एक्स माइनस में कौन एट भाई, फिर यह माइनस इससे जो कैंसिल हो गए तो ये यूं का यूं लिखोगे, पर बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस का टू एक्स और माइनस का कोण तीन, यानी पहले आप इसको उस फॉर्मूले का आओगे। अब उस फॉर्मूले लाने के लिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा और सिंपलीफाई भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर यानी टू एक्स स्क्वेयर, टू एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस टू और प्लस में टू यानी प्लस फोर बनेगा, डिवाइड में करो ये मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर प्लस में टू एक्स, उसके बाद माइनस के वन की करो मल्टीप्लाई यानी माइनस एक्स और माइनस वन प्लस के टू की माइनस का टू बनेगी, इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस में टू एक्स यानी टू एक्स माइनस एट और माइनस के थ्री माइनस के इलेवन अपोन में कौन एक्स माइनस में टू। अब थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो सके, यानी टू एक्स स्क्वेयर प्लस में फोर अपोन एक्स स्क्वेयर टू एक्स माइनस में एक्स यानी एक्स होगा माइनस में टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस इलेवन अपोन एक्स माइनस में टू। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो सिंप्लीफाई कौन होना चाहिए, पहले टू एक्स स्क्वेयर दोनों से मल्टीप्लाई होगा करना, टू एक्स क्यूब हो गया, फिर टू एक्स स्क्वेयर यहां करो मल्टीप्लाई यानी माइनस फोर एक्स स्क्वेयर हो गया, माइनस का फोर एक्स स्क्वेयर फिर प्लस का फोर दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी फोर एक्स माइनस में एट होगी मल्टीप्लाई, उसके बाद इसकी रिस्की करो टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब फिर टू एक्स की रिस्की करो यानी प्लस में कौन टू एक्स स्क्वेयर फिर टू एक्स की रिस्की करो यानी माइनस के फोर एक्स, फिर जो माइनस का इलेवन उसकी तीनों से करो, करने एक बार माइनस का इलेवन एक्स स्क्वेयर, चलो मैं यहां लिख दूं माइनस का इलेवन एक्स स्क्वेयर, करो माइनस के इलेवन के यहाँ यानी माइनस का इलेवन एक्स, करो माइनस का इलेवन और माइनस का टू यानी प्लस का ट्वेंटी टू। अब टू एक्स क्यूब तो टू एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, इनको इकट्ठा करो भाई, देखो यहाँ पर तो कौन है माइनस का फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस एट, यहाँ देखो टू एक्स स्क्वेयर माइनस में इलेवन एक्स स्क्वेयर यानी माइनस का नाइन एक्स स्क्वेयर, माइनस के फोर एक्स और माइनस के इलेवन एक्स यानी माइनस के फिफ्टीन एक्स प्लस में कौन ट्वेंटी टू। अब सब कुछ लिया इस साइड, देखो क्या बनेगा, ये प्लस का नाइन ये माइनस का फोर यानी फाइव एक्स स्क्वेयर, लिया इसको इस साइड प्लस का फोर प्लस का फिफ्टीन यानी प्लस का नाइनटीन एक्स, इसको भी लिया इस साइड माइनस एट और माइनस का ट्वेंटी टू यानी माइनस का थर्टी और इज इक्वल टू यहाँ पर कौन बचेगा आपका जीरो, यानी आपकी इक्वेशन बन गई भाई फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस नाइनटीन एक्स माइनस का कोण थर्टी इज इक्वल टू जीरो। अब आपने जो क्वाड्रेटिक है ना वो फैक्टर बना के सोल्व करनी है, तो बेस मैंने क्या बता रखे हैं, सबसे पहले आप ट्राई करोगे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट इनके आपस में करो मल्टीप्लाई, देखो वो मेरी आगे 150 कौन आगे 150। अभी जो 150 है ना इसके आपने दो हिस्से करने हैं और दो हिस्से आप इस तरीके से करोगे कि जोड़ने पे या माइनस करने पे एक्स का कोफिशियंट आंदा। अब नंबर बड़ा है ना तो आप वो दो हिस्से कैसे करोगे, ऐसे करोगे
दो पे 75, फिर भाई 3 पे 25, फिर 5 पे 5 और 5 एकम 5। अब चेक करो किन किन को मैं इकट्ठा करूं कि जोड़ने पे या माइनस करने पे 19 आ जाए। देखो यहाँ बात बन जाएगी, 2 3 6 5 5 25 होगी, 25 में से 6 गया 19, तो बात बन गई ना 25 गुना 6। अब प्लस का 19 है तो प्लस का 25 माइनस का 6, साथ में एक्स है तो तुम भी साथ में एक्स लिख दो, तो बिल्कुल आसान है भाई। तो जहां पर ये वहां पर अब ये लिखोगे तो ये आपका बनेगा 5x² प्लस 25x माइनस का 6x माइनस का 30 इक्वल टू 0। देखो यहां से कौन कॉमन, 5x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस, ले यहां तक 5x कॉमन तो 5 बच गया। अब यहां तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट आवे, माइनस तो लोगे लोगे, साथ में 6 तो कॉमन लोगे -6, अंदर होगा x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इनको तो इकट्ठा और दोनों में से एक, तो ये आपका बनेगा 5x -6 x प्लस में 5 इक्वल टू कौन है 0। अब एक बार रखोगे इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको रखोगे, रखो भाई तो 5x -6 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस में 5 इक्वल टू 0, यहां से x निकालो तो 5x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6 अपॉन 5, यहां से x मेरा कौन होगा, यहां से x मेरा बनेगा माइनस का 5। तो कुछ खास नहीं भाई, पहले सिंपलीफाई करके इसको ax² + bx + c के फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद आपको फैक्टर बना के सोल्व करना है। तो रूल मैंने बता दिया, एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट आपस में करो मल्टीप्लाई, वो जो भी नंबर आवे उसके दो हिस्से करो, और उन दो हिस्से में तो वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो एक्स का कोफिशियंट आता है। चलो तुमने आज यहां तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।